अब सिलेक्शन तो हमारा भी होता है, अल्लाह करता है, तो रसूलों का करता है। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में फरमाया कि वस्तबाकुम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया है, तुम सबको चुन लिया, अल्लाह ने सबको चुन लिया। अब फिर भी जो आंखें बंद करके इस आयत से निकल जाए, वो ध्यान ना दे इसके ऊपर, मानों का एहसास ना हो कि हमें सिलेक्ट किया है, वो जिनको माने मालूम हो लेकिन फिर भी पर्दे पड़े हुए हैं, लफ्ज आ रहा है कि अल्लाह ने चुन लिया, वह सभा को हमने तुम्हें चुन लिया, यानी जो पढ़ रहा है उससे कहा जा रहा है कि हमने तुमको चुन लिया। लेकिन उसके बाद अगर वो ना समझे और उसको फिर सरसरी तौर पर अगर निकल जाए और कोई असर ना हो कि खिताब हमसे किया जा रहा है, अब जो माने जानते हैं, जो तर्जुमा जानते हैं, पढ़ते हैं, जो अरबी जानते हैं, जिनको तर्जुमे मालूम है, और फिर अगर उनके अंदर ये बात नहीं जाती कि क्या अल्फाज और कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह हमसे कह दे, क्योंकि वो तो खास रसूलों को चुनता है, लेकिन अल्लाह ने हमसे कहा कि हमने तुमको चुन लिया, यानी जो पढ़ रहा है, ये जो सुना रहा है, आज जो आप बैठे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें लिखा अल्लाह ने कहा कि हमने आपको चुन लिया, तो छोटी बात है कि अल्लाह हमको चुन ले, कितनी बड़ी बात कि अल्लाह हमारा सिलेक्शन कर ले, क्योंकि वो रसूलों का सिलेक्शन करता है और हमारा भी जो है सिलेक्शन कर दिया। तो अब ये जब हमारा सिलेक्शन किया तो क्या हमारा सिलेक्शन ऐसे ही है? क्यों फिर आगे फरमाए इसी आयत के अंदर के, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो, रसूल तुम पर गवाह हो, तुम रसूल को पहचानते हो लेकिन लोगों पर तुम गवाह हो, तो लोगों की गवाही हमको देना है, हमको चुन लिया गया, लेकिन रसूल तो नहीं चुने, अब चुने हैं तो रसूल के लिए नहीं चुना, लेकिन कार्य रिसालत तो बाकी है, जो रसूल अल्लाह के रसूल सब जो काम छोड़ कर गए वो तो बाकी है, आज उसके लिए हमको चुना गया, तो हमको यहाँ पर चुना है कि अब तुम्हारा काम है कि पहुँचा दो, और आइडियल देखना है कि कैसे पहुँचाना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, तुम्हारी क्या क्या, जो तुम यतीम हो, तुम्हारे वालिद नहीं, तुम्हारी वालदा नहीं है, तुम्हें हर पोजीशन में, हर रिश्ते के अंदर तुमको देखना, तो अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़िंदगी को तुम देख लो, तो उसमें तुमको हर चीज़ का नमूना मिल जाएगा, कोई दुनिया में नहीं कह सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने ये चीज़ें हमको नहीं बताई, हर चीज़ में मिल जाएगा, दोस्त कैसा हो, वालिद कैसा हो, बेटा कैसा हो, बाप कैसा हो, और सरदार कैसा हो, रसूल कैसा हो, यानी हर जितने भी शोबे हैं अल्लाह के रसूल सल्लम, टीचर कैसा हो, आलिम कैसा हो, हाफिज़ कैसा हो, सारे शोबों के अंदर अल्लाह के रसूल मुकम्मल है ये हमारे लिए। तो हमको चुना तो उसके बाद अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी भी महफूज की, ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी है, तो इससे नसीहत लो और काम को अंजाम दो। जो अल्लाह के रसूल सल्लम को जिस कल्चर से, जिस माहौल से गुजारा गया, वो माहौल जो फहाशी का, जहाँ पर जो है जुआ, शराबें, ये चीज़ें आम थी, वही कल्चर आज हमारे से मिलता जुलता है, हमारे पास भी ये चीज़ें, लेकिन उनको उस चीज़ के लिए जाना पड़ता था, वो चीज़ हमारे पास खुद चल कर आ रही है हमारे हाथों के अंदर। तो ये हमको देखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लम किस तरह से उनसे बचे, तो हम जो हमारे हाथों के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सब कुछ हमारे क्लिप पर, एक अंगूठे के इशारे पर है, तो हमको ये देखना है कि इससे बचना कैसे, और कैसे हमको अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को देख कर एक जो है तकवा गुजार ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी हमको गुजार कर जाना है, ताकि हम रसूल हमारे लिए गवाह होंगे, और हमको लोगों की गवाही देना, तो क्या गवाही देंगे अगर हम इन सबको साथ में लेकर गए, तो ये भी हम ख्याल रखें, क्योंकि वही कंडीशन हमारी, ये रसूल सल्लम की ज़िंदगी, ये क्यों रखा मैंने इसलिए आपको बताया कि ये कल्चर हमारा भी यही चीज़ है, तो ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से हमको मिल रहा है, यही माहौल था वहाँ पर, यही कंडीशन आज हमारे पास में, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जिससे हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो सकती है, तो उसका भी ख्याल रखें। तो हमारे तो रसूल जो हैं उनके बचपन में ये चीज़ों गुजरी और उन्होंने समझ कर इसको वो मिटाने वाले बने, और इन सबको उन्होंने ख़त्म किया, वो पूरी तरह मक्का से ख़त्म किया। और रसूल तो पैदाइश से रसूल होता है, ऐसा नहीं होता है कि ये तो अल्लाह चुनता है जब लोगों के लिए आम बताने के लिए कि सब मशहूर कर दो, अब ऐलान कर दो कि तुम रसूल, नहीं तो ये रसूल पैदाइश ही रसूल होता है जब से उसकी हिफाज़त अल्लाह करता है, जो भी रसूल होते हैं उनकी हिफाज़त करता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से हमने इसमें देखा, तो ये अल्लाह का अम्र होता है, तो ये नमूना है हमारे लिए भी। और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, जो माहौल है तो ये माहौल वहीं पर भी था, अल्लाह के रसूल उससे निकले, बल्कि उसको ख़त्म भी किया गया, उस माहौल को ख़त्म किया, कैसे किया, तो हमको सीरत हमको पढ़नी पड़ेगी, कैसे किया उस तरह से हमको काम करना पड़ेगा, ताकि हम एक माशरा जो अल्लाह के रसूल सल्लम को देने को कह गए थे, उस माशरे को हम कायम कर सकें, हमारे घरों को वैसा हम बना सकें, ये हमको बताना पड़ेगा, और ये इल्म हासिल करने का तो हम मालूम पड़ेगा।